चलिए अब रुख करते हैं एक इंटरेस्टिंग खबर की। इंटरेस्टिंग इसलिए कि अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो आपके टेबल तक बैंगलोर के रेस्टोरेंट में रोबोट खाना पहुंचाएंगे, और खास बात यह है कि रोबोट स्कूल और कॉलेज के बच्चों की सोच का नतीजा है। कभी कुछ अजीब भी लगता है कि एक मशीन खाना लेकर आ रही है, और ये सोच के अच्छा लगता है कि काम एक मशीन कर रही है और अच्छी तरह से कर रही है। ये उस रोबोट का प्रोटोटाइप है जिसे बच्चे विकसित कर रहे हैं। इनकी साज सज्जा होनी बाकी है और फिर रोबोट का चेहरा और शायद हाथ भी दिखेगा। कमर्शियल प्रोडक्शन इज नॉट येट किक स्टार्टेड, सो इनका व्यावसायिक उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है। इसमें कई और फीचर्स लगाए जाने हैं, उसके बाद हम इन रोबोट्स को बच्चों के नाम पेटेंट करा देंगे। दरअसल इस रोबोट को स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने विकसित किया है ऑनलाइन कम्युनिटी से जुड़कर। मैंने इसे डिजाइन किया है और थोड़ा मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स भी। माय रोल वाज द प्रोग्रामिंग रोल। मैंने इसे प्रोग्राम किया है और ये काले रंग के फीते पर मेरे प्रोग्रामिंग की वजह से ही चलता है। मैंने इसके फेशियल एक्सप्रेशन को डिजाइन किया है। फिलहाल इस रोबो का बेंगलुरु के कुछ चुने हुए रेस्टोरेंट्स में ट्रायल चल रहा है। बेंगलुरु से निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।